नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की बहू और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता किरण चौधरी ने कल मंगलवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। किरण चौधरी ने अपने इस्तीफे में लिखा कि मैं कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रही हूँ। 4 दशक तक मैं कांग्रेस पार्टी की वफादार सिपाही रही और मैंने बंसीलाल और सुरेंद्र सिंह की विरासत को आगे बढ़ाया, लेकिन दुखद है कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी एक व्यक्ति की जागीर बनकर रह गई है और वहाँ मेरे जैसे लोगों की आवाज़ के लिए कोई जगह नहीं बची है। मेरा मकसद लोगों के लिए काम करने का रहा है। मैं नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ा रही हूँ। आपको बता दें कि किरण चौधरी 2005 से हरियाणा के तोशाम विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। वहीं उनके साथ उनकी बेटी और भिवानी महेंद्रगढ़ की पूर्व सांसद श्रुति चौधरी ने भी कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि श्रुति चौधरी को हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं दिया था। वहीं अब खबर है कि किरण चौधरी आज बुधवार को भाजपा में शामिल होंगी। बिहार के अररिया जिले के परारिया गांव में बकरा नदी पर बने नवनिर्मित पुल का एक हिस्सा कल मंगलवार सुबह 18 जून को ढह गया। बता दें कि 12 करोड़ की लागत से बने इस पुल का अभी उद्घाटन भी नहीं हुआ था। वहीं अब इस मामले पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि बिहार में अररिया में दुर्घटनाग्रस्त पुलिया का निर्माण केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत नहीं हुआ है। नितिन गडकरी ने कहा कि बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत इसका काम चल रहा था। नीट परीक्षा में हुई धांधली को लेकर AIIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने NDA सरकार को निशाने पर लिया है और साथ ही सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में नीट की दोबारा परीक्षा कराने की मांग की है। ओवैसी ने मंगलवार को दावा किया कि नीट परीक्षा एक मजाक बन गई है। उन्होंने बोर्ड परीक्षाओं से पहले छात्रों के साथ नरेंद्र मोदी की बातचीत पर कटाक्ष करते हुए आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने छात्रों का भविष्य बर्बाद कर दिया और उनके माता पिता के सपनों को चकनाचूर कर दिया है। वाराणसी से तीसरी बार जीत हासिल करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी कल मंगलवार को पहली बार वाराणसी के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए वाराणसी की जनता का शुक्रिया अदा किया। PM मोदी ने कहा कि आपका विश्वास मेरी पूंजी है। आपका विश्वास मुझे लगातार आपकी सेवा के लिए और देश को नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए कड़ी मेहनत करने की प्रेरणा देता है। मैं दिन रात ऐसे ही मेहनत करूंगा। आपके सपनों को पूरा करने के लिए मैं हर प्रयास करूंगा। मैंने किसान, नौजवान, नारी शक्ति और गरीब को विकसित भारत का मजबूत स्तंभ माना है और तीसरे कार्यकाल की शुरुआत मैंने इन्हीं के सशक्तिकरण से की है। बात चाहे गरीब परिवारों के लिए 3 करोड़ नए घर बनाने की हो या फिर किसान निधि को आगे बढ़ाने की, ये फैसले करोड़ों लोगों की मदद करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार वाराणसी से जीत हासिल करने में कामयाब रहे, लेकिन जीत का अंतर पिछले 2 बार के मुकाबले काफी कम था। प्रधानमंत्री के वाराणसी दौरे पर कांग्रेस ने कई सवाल उठाए हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा, कई दौर की गिनती में काशी से पिछड़ने और किसी तरह जीत हासिल करने में कामयाब होने के बाद आज एक तिहाई प्रधानमंत्री फिर से वाराणसी का दौरा कर रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि यह वाराणसी के लोगों द्वारा उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जैसा था। जयराम रमेश ने लिखा कि ये वाराणसी पर केंद्रित 9 सवाल हैं जो हमने चुनाव प्रचार अभियान के दौरान उनसे पूछे थे और आज हम एक बार फिर याद दिलाना चाहते हैं। पहला, 20,000 करोड़ रुपए के बावजूद भी गंगा भारत की सबसे प्रदूषित नदी क्यों है? दूसरा, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान वाराणसी में 33 उम्मीदवारों के नामांकन क्यों खारिज कर दिए गए थे? तीसरा, क्यों BHU के कार्डियोलॉजी विभाग में 47 में से 41 बिस्तर पिछले 2 वर्षों से इस्तेमाल में नहीं हैं? BHU में महिलाओं के खिलाफ यौन शोषण के मामले में भाजपा के IT सेल के सदस्यों पर एक्शन होगा? पांचवा, वाराणसी पोर्ट क्यों फेल हुआ? अब इसे अडानी को क्यों बेचा जा रहा है? एक तिहाई प्रधानमंत्री वाराणसी में एक भी नए स्कूल या अस्पताल खोलने में क्यों विफल रहे? सातवां, वाराणसी में मैला ढोने के कारण 25 लोगों की जान क्यों गई? एक तिहाई प्रधानमंत्री ने वाराणसी के उन गांवों को उनके हाल पर क्यों छोड़ दिया जिन्हें उन्होंने गोद लिया था? नौवां, एक तिहाई प्रधानमंत्री वाराणसी में महात्मा गांधी की विरासत को नष्ट करने पर क्यों तुले हुए हैं?
बीते दो दिनों से ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर देश में एक बार फिर बहस छिड़ गई है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि ईवीएम को बैन कर देना चाहिए। उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा कि सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि बीजेपी को छोड़कर देश के सभी राजनीतिक दल चाहते हैं कि ईवीएम को बैन कर दिया जाए और बैलेट पेपर से चुनाव करवाए जाएं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इस देश को बैलेट पेपर के जरिए ही बचाया जा सकता है। दरअसल आपको बता दें कि बीते दिनों टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने ईवीएम को लेकर टिप्पणी की थी। मस्क का कहना है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में मुंबई की एक लोकसभा सीट से भी ईवीएम में धांधली का मामला सामने आया था। हालांकि भारतीय चुनाव आयोग ने इस तरह के किसी भी आरोपों को खारिज कर दिया है। ईवीएम पर कांग्रेस की ओर से लगातार उठाए जा रहे सवालों पर केंद्रीय मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 136 सीटों पर जीत मिली थी। क्या उस वक्त ईवीएम ने कांग्रेस का साथ दिया? क्या कांग्रेस ने ईवीएम की मदद से जीत हासिल की? कुमार स्वामी ने पूछा कि अब कांग्रेस इस मुद्दे को क्यों उठा रही है। लोकसभा के स्पीकर पद को लेकर बयानबाजी और अटकलें लगातार जारी हैं, जहां बीजेपी के बाद सबसे अधिक बहुमत लाने वाली एनडीए के सहयोगी टीडीपी ने इस पद की मांग की थी। तो वहीं तीसरी बड़ी पार्टी जेडीयू ने कहा है कि वह बीजेपी का समर्थन करेगी। और इस बीच विपक्ष का कहना है कि वो भी चाहता है कि लोकसभा स्पीकर भाजपा नहीं बल्कि एनडीए के किसी सहयोगी दल का हो और विपक्ष भी उसका समर्थन करेगा। लेकिन इस बीच सामने आ रही खबरों के मुताबिक बीजेपी हर हाल में स्पीकर की कुर्सी अपने पास रखना चाहती है और इसके लिए एनडीए के सहयोगी दलों से बात करने की जिम्मेदारी पार्टी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दी है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनी पत्नी कमलेश ठाकुर के चुनाव लड़ने को लेकर बताया कि पार्टी हाईकमान ने विधानसभा चुनाव में मुझे अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतारने को कहा है। इससे पहले हाईकमान द्वारा लोकसभा चुनाव में लड़ने को भी कहा गया था। सर्वे के बाद मेरी पत्नी का नाम आया लेकिन मैंने फिर भी इनकार किया। मैं खुद चाहता हूँ कि राजनीति में परिवार से सिर्फ एक व्यक्ति आए, लेकिन जिस प्रकार की राजनीतिक परिस्थितियाँ राज्य में हैं उसे देखते हुए वह लड़ाई लड़ने के लिए मेरी पत्नी को घर की सीट से चुनाव लड़ने को कहा गया और जब फैसला लेने का समय आया तो मैंने हाईकमान के फैसले को अपनाया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वायनाड सीट से इस्तीफा दे दिया है और रायबरेली से अपनी सांसदी बरकरार रखी है। उन्होंने कल मंगलवार को केरल की वायनाड लोकसभा सीट से इस्तीफा दिया। लोकसभा सचिवालय द्वारा यह जानकारी दी गई। लोकसभा बुलेटिन में कहा गया कि उनका इस्तीफा 18 जून से स्वीकार कर लिया गया है। साथ ही बता दें कि अब अगले 6 महीने में वायनाड में उपचुनाव होने वाले हैं, जिसमें प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में उतरेंगी और अपना चुनावी राजनीतिक सफर शुरू करेंगी। प्रियंका गांधी के चुनावी राजनीति में एंट्री को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि सदन का तापमान बढ़ने वाला है। अब सदन जबरन जोर जबरदस्ती से नहीं चलेगा। अब 14 मिनट राहुल गांधी जी के बोलने पर 11 मिनट स्पीकर नहीं दिखाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मन बढ़ाई, कुंडई और तानाशाही का इलाज जनता ने कर दिया है। अब सदन में राहुल जी, प्रियंका जी और इंडिया गठबंधन के और नेता होंगे। बीजेपी को मेरी अग्रिम सहानुभूति। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।